जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑनलाइन जूम सेशन जो है हमारा पेड जूम सेशन वो हम कर रहे हैं, और आज का जो डेट है वो है 5 जून 2023, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ एक कंपनी से $3,000 प्लस की अर्निंग की है। टोटल अर्निंग जो ऑर्डर थे वो $3,000 प्लस के थे, जिसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8,75,000 तकरीबन, क्योंकि मुझे डॉलर मिलता है तकरीबन 312 315, क्योंकि बाइनांस पे जाके मैं सेल करता हूँ वॉइस के थ्रू, इसीलिए गूगल रेट के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 8,75,000 या 8,04,000 बनता है, लेकिन मुझे डॉलर महंगा सेल होता है मेरा। अब मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा कि यार मैं बड़ी अर्निंग करता हूँ, मैं शोखा हो गया हूँ, ये नहीं, जस्ट आप लोगों के लिए ये है कि यार अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, अब यकीन करें मैं बहुत बिजी होता हूँ, क्लासेस देना, जूम पे देना, लेकिन मैं अपना काम रात चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे डॉलर आ रहे हैं और इसी फील्ड से आ रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे किसी ने जो ये है मतलब फाइबर पे मैंने वो काम नहीं किया, वो मैंने लिंक्डइन पे काम करके वहां से कंपनी निकाली, और दूसरा मैंने काम क्या किया था, ब्लॉग रिसर्च करके कंपनी निकाली। आज अगर आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज फाइवर बंद हो जाए पाकिस्तान में, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई मेरा क्लाइंट, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फाइवर अवर पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो भी जाए मुझे टेंशन नहीं है। अब हम स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हो गई है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लें, ये हमारा मई 2023 के ऑर्डर है, यहाँ पे अर्निंग देख लें, $3,030 की अर्निंग है यहाँ पर एक मंथ की, ये मई 2023 के ऑर्डर है। अब हम चलते हैं बाइनांस पे और चलते हैं वाइज पे, क्योंकि मुझे उसने वाइज पे भी कुछ डॉलर किए हैं, कुछ किए हैं उसने मुझे सीधा डायरेक्ट USDT TRC20 में, USDT में सेंड किया, तो मैंने वाइज उधर ओपन कर लिया और इधर मैंने ओपन कर लिया जी बाइनांस। यहाँ पे यहाँ वाइज ओपन हो गया, यहाँ बाइनांस अभी ये ओपन हो रहे हैं, तो मैं फिलहाल लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉग इन करता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि कितने डॉलर मेरे पास अवेलेबल हैं। जी बाइनांस लॉगिन हो चुका है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा वाइज वाइज भी हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। अभी अप्रूव करना है मैंने अभी इसको, जी बाइनांस भी लॉगिन हो चुका है, और दूसरा हमारा यहाँ पर ये देख लें, डॉलर चेक करें कितने पड़े में अवेलेबल, 1,000 से कम है, 999.20 डॉलर मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ कि पहले मुझे कितनी पेमेंट आई थी यहाँ पर, अभी फिलहाल बैलेंस में $999 पड़ा हुआ है यहाँ पर। और अगर वाइज में बात की जाए तो वाइज में यहाँ पे देखें मुझे कितने कितने डॉलर आए हुए हैं, ये अभी इस मंथ की दिखा रहा हूँ आपको, इस मंथ की, ये जो मंथ में मुझे इसने पेमेंट किया $3,000, यहाँ पे देखें इसने मुझे कितना भेजा है, $1,000 ये भेजा, पहला $1,000 1,000 आया, 1,000 के बाद उसने मुझे भेजा 630, कितना हो गया, 1,630 हो गया, ये जो वाइस पे उसने भेजा 1,630 प्लस, ये मैंने सेल कर दिया बाइनांस पे जाके, ये भी बाइनांस पे आपको हिस्ट्री आ जाएगी सेल करने की कि मैंने यहाँ पे सेल की है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में, P2P में जाता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी पेमेंट्स मुझे आई हैं, और मई 2023 का ये देखें 630 आया, यहाँ पे देखें कंफर्म कर लें 630 आया, आज आया ना 630 आज आया, ये कहाँ पे सेल किया मैंने, बाइनांस पे सेल किया, ये देखें ये सेल किया। उसके बाद $778 मैंने सेल कब किया है, 31 को किया है, ये वेरीफाई करते रहे आप, 31 को ये देखें $787 मैंने सेल किया, ये देखें 31 को सेल किया, वेरीफाई हो गया ये भी, उस लोग जरा माइक ओपन करके वेरीफाई कर लें कि हाँ वेरीफाई हो गई, क्या वाकई अर्निंग है इस फील्ड में, कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा,
मैं माइक ऑन कर देता हूँ। जी बोले। अर्निंग जी सर, बिल्कुल ऐसे ही अर्निंग तो है। है, ये सिर्फ एक कंपनी का विड्रा आया है $3,000, वो भी मुझे साथ साथ वो मिल सकता था, मैंने इकट्ठे मंगवाया है सर, ये। आपसे ज्यादा हमें खुशी हो रही है देख देख के। मैं कभी भी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी अपना विड्रा, अपनी अर्निंग दिखाता हो, ना यूट्यूब पे दिखाता है ना कहीं दिखाता है। ये आप लोगों को मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि आप लोग, मैं अगर 16 साल तकरीबन 18 साल मैंने स्टडी करके इतना पैसा नहीं कमा सका जो मैंने अभी 8 महीने में कमाया है, तो आप कम से कम भी इस फील्ड को 5-6 महीने दें, ताकि इस फील्ड में पोटेंशियल बहुत है। 0% इसमें है इन्वेस्टमेंट, इसमें है नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट, और ये एक स्किल है, कोई बंद नहीं होने वाली। तो इसलिए डिसहार्ड नहीं होना, काम करना है और मेहनत करनी है, बाकी जहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ, बाकी सर इंशाल्लाह। ये वही जो बयान वाइज क्या है, ये रिसीविंग टूल से ये मुझे $3,000 आया है, उसमें से मैंने तकरीबन, कोई हिसाब लगा लो नहीं? आप। नहीं सर, से सर ये मैं वाइज और बाइनांस से किया है, ये इसके बारे में पूछिए क्या है ये हाँ, ये रिसीविंग देखो, टाइप ये जैसे रिसीविंग टूल है? पेयोनीर है, जैसा कि पेयोनीर है, जैसा कि पेपाल है, ये एक मेथड्स हैं पेमेंट लेने की। अब मेरा क्लाइंट जो है, मैंने कहा भाई मुझे जी पेपाल नहीं चाहिए, वहां पे टैक्स कटता है, मेरे पास पेपाल है ही नहीं, तो मुझे तुम पेयोनीर करो, और उस कंट्री से पेयोनीर, उसके अकाउंट से कोई मसला आ रहा था, पेयोनीर हुआ नहीं। फिर मैंने फाइबर पोर्टल लगवाए, लेकिन एट द एंड मुझे इशू आ रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने कहा तुम्हारे पास वाइज है, तब मैंने जाके वाइज बनाया था, और अभी मेरे वाइज अकाउंट में $30,000 की ट्रांजेक्शन हैं एक कंपनी के साथ। बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो तो अलग है ना, वो उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा, सिर्फ एक कंपनी के साथ 6 महीने में मेरे पास इतने ट्रांजेक्शन हैं। पेयोनीर, वाइज जो है, और बायनास जो है, बायनास पे मैं डॉलर सेल करता हूँ, वाइज से शिफ्ट करता हूँ बायनास में, और बायनास पे जो रेट मिल रहा होता है वो ₹312 आज का रेट मिल रहा है, और गूगल का 285। ट्रिक लगा के मैं वहां पे सेल करता हूँ।